गाइस, ऐसी मस्त वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीके के जुगाड़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपनी कार का माइलेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक के पास गए। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो केवल आम जनता के लिए है जो घरेलू मतलब कि अपना काम सुधार सकते हैं, अपना जो गाड़ी है रिपेयर कर सकते हैं या मालिक बढ़ा सकते हैं। ये किसी मिस्त्री या मैकेनिक के लिए वीडियो नहीं है। अगर कोई मैकेनिक इस वीडियो को देख रहा हो तो यहीं पर बंद कर दे। ये खाली आम जनता के लिए है, जैसे हम और तुम है या घरेलू जो मतलब इंसान होते हैं घर पर अपनी चीजें ठीक करने का विचार रखते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो आइए कैसे इंक्रीज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अभी गाड़ी चालू है, ये एसिड होता है, ठीक है, ओके। अब इसके पास एक स्क्रू होता है, एक पेच होता है, जिससे क्या है कि पेट्रोल को और एयर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कैप लगी हुई है ब्लैक कलर की, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। ये स्क्रू आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रू पेट्रोल और एयर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसका क्या वर्क होता है वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको यहाँ पर ट्यून यहाँ पर सेट करेंगे इसके, ठीक है। ट्यून कैसे सेट करनी है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब गाड़ी बंद हो जाए तो इसका मतलब ये समझिएगा कि जो मतलब कि पेच है वो टाइट हो गया है, ठीक है। तो हमें ये सेट कहाँ पर करना है कि गाड़ी बंद ना हो और इसका जो एक्सीलेटर है वो थोड़ा धीमे हो। कैसे दिखा देता हूँ आपको, आवाज सुनेगा। तो ये एंटी क्लोज क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो इसका जो एयर और पेट्रोल है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और इसका जो एक्सीलेटर है वो कम हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये गाड़ी देखो, ये देखिए, ये गाड़ी बंद होने को तैयार थी तो ये यहाँ पर अब सेट हो गया। मतलब इसको ऐसे सेट करना है कि गाड़ी आपकी बंद ना हो और एक्सीलेटर आपका सबसे कम हो, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद ये सेट करने के बाद ये कैप लगा देनी है आपको इसकी, उसके बाद आपको ये एक्सीलेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इसे भी यहाँ से टाइट या ढीला करना होता है, ठीक है, वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। ध्यान रहे गाड़ी आपकी बंद ना हो और एक्सीलेटर सबसे कम हो, ठीक है। तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका एक्सीलेटर बढ़ जाता है, आवाज आप सुन रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका एक्सीलेटर कम होता चला जाता है, ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कम करते हैं, ये देखिए गाड़ी बंद होने वाली थी लेकिन अब यहाँ पर सेट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप अपनी कार का माइलेज इंक्रीज कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, सेकंड थिंग इसमें दूसरी बात यह है कि जो फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर का भी एक रोल होता है माइलेज को बढ़ाने के लिए। वो फिल्टर आप कैसे चेंज कर सकते हो या साफ कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर गाड़ी में, हर किसी गाड़ी के इंजन में ये सब मतलब होता समय है, लेकिन कहीं ना ये मतलब कि इनका जो स्थान है वो अदला बदली हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरी सेंट्रो गाड़ी है तो जो फिल्टर होगा वो यहाँ पर है, ठीक है, आप देखिएगा। यहाँ पर मैं पहले गाड़ी का स्विच ऑफ कर देता हूँ, ये सब करने के बाद आपको फिल्टर भी मतलब कि साफ करना होगा या उसको चेंज करना होगा अगर गंदा हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फिल्टर होता है, इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। खोलने के बाद ये गाड़ी का फिल्टर होता है, ये देखिए, ये गाड़ी का फिल्टर है। और इसको साफ कैसे करना है, साफ दोस्तों क्या है कि वैसे तो ये नया ही डलता है अगर गंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार हमें इसे इस तरह से इसकी जो धूल है वो इस तरह से हटा लेंगे, ठीक है। अगर आपका ज्यादा ही गंदा हो गया हो, अगर आपका ज्यादा ही काला हो गया हो तो इसे नया डाल सकते हैं। ये लगभग हर गाड़ी का जो फिल्टर है उसका रेट अलग अलग होता है, लेकिन मेरी सेंट्रो गाड़ी है तो इसका जो फिल्टर है वो लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में आया था, उसे आप लगा देते हैं इसमें। उसके बाद जो बॉक्स है बॉक्स को भी साफ कर लेते हैं, ठीक है।
अंदर इसके डस्ट ना हो। कपड़े साफ कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, मेरा तो साफ है। अब इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर दें। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से आप अपना माइलेज बढ़ा सकते हैं गाड़ी का, और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बाइक का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। और यही सिंपल सी चीजें होती हैं, आसान सी चीजें हो सकती हैं, घर पर आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण कुमार, और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीके के जुगाड़ में। दोस्तों कौन सा आपका आ गया मैं कह रहा कौन सा आपका आ गया